इस मॉड्यूल के अंदर हम को रिलेटेड करेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट स्लाइड के अंदर हमने हाई वेटेज करेक्टर्स की बात की बेसिकली तमाम जो टेक्सोनोमिस्ट हैं वो इस चीज के ऊपर एग्री हैं कि ऑर्गेनिजम की आइडेंटिफिकेशन के लिए को रिलेटेड करेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए लेकिन टेक्सोनिस्ट इस बात पे भी इतफाक़ करते हैं कि दो किस्म की जो कोरिलेशन है इसको सेपरेट करना चाहिए क्योंकि जो कोरिलेट करेक्टर्स जो हैं ये दो किस्म के हो सकते हैं एक फंक्शनली कोरिलेटेड करेक्टर और दूसरा फाइलोजेनेटिक कोरिलेट करैक्टर्स अब जो फंक्शनली कोरिलेट करेक्टर्स हैं इनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये लो वेट करैक्टर्स हैं फंक्शनली कोरिलेशन से क्या अमराध है कि बहुत सारे करेक्टर्स बहुत सारे एट्रीब्यूट के अंदर इस वजह से आ जाते हैं कि उन वो जो किस हैं वो उनके फंक्शंस के अंदर पैदा करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैट इंसेक्ट्स या बर्ड्स के विंग्स की बात करें तो तीनों का जो फंक्शन है सेम है ये जो फिना है इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं कन्वर्जेंस की वजह से इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स के अंदर एक जैसा फंक्शन आ गया लेकिन अगर हम डिटेल के अंदर देखें इन तीनों ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर हैं वैसे इंसेक्ट कविंग बैट कविंग या हम बर्ड्स कविंग जो है इसको हम कंपेयर करें तो तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली totally डिफरेंट है क्योंकि ये जो करैक्टर है ये जेनेटिक बेस के ऊपर नहीं आया बल्कि ये फंक्शनैलिटी की बेस के ऊपर आया है तो ऐसे करैक्टर्स जो फंक्शनैलिटी की बेस के ऊपर हों इनको हम फंक्शनल करैक्टर्स और इस किस्म की जो कोरिलेशन है इसको फंक्शनल कोरिलेशन कहते हैं और टेक्सोनोमिकली ऐसे जो करैक्टर्स होते हैं ये लो वेट करैक्टर्स कहलाते हैं क्योंकि इनका फाइलोजेनेटिक कॉन्टेंट कम होता है इस किस्म के करैक्टर्स जो है ये डिजर्व नहीं करते कि इनको सेपरेट करेक्टर का स्टेटस दिया जाए और ये करेक्टर रिडेंडेंट करेक्टर कहलाते हैं इसके मुकाबले में अगर हम सेकेंड टाइम की बात करें फाइलोजेनेटिक कोरिलेशन तो फाइलोजेनेटिक कोरिलेशन के नतीजे में जो करेक्टर्स आपस में मैच करते हैं उसकी जेनेटिक बेस होती है वो इस वजह से आपस में कोरिलेट करते हैं क्योंकि उनके एंसेस्टर्स कॉमन थे इस वजह से बहुत सारे करेक्टर्स उनके अंदर कॉमन होते हैं ऐसे करेक्टर्स जो है ये हाई वेट करेक्टर्स कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर फाइलोजेनेटिक कॉन्टेंट्स ज्यादा होते हैं और अगर हम कॉर्डेट्स और डायग्नोस्टिक करेक्टर्स की बात करें तो इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है कॉडेट्स जो है तमाम कॉर्डेट्स के अंदर कुछ डायग्नोस्टिक करेक्टर्स हैं जो कि तमाम कोऑर्डेट्स तमाम के अंदर सेम है इसी तरीके से जो ड्यूटेरोस्ट्रोम्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स जो हैं सेम है अब इनकी करेक्टर्स के अंदर जो सिमिलैरिटी है, है क्योंकि इनकी एंसेस्ट्री सेम है इनके एंसेस्टर्स जो है उनकी सेम होने की वजह से इनके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स भी सेम है तो इसकी जेनेटिक बेस है इसी वजह से ये जो करैक्टर्स हैं ये हाई वेट करेक्टर्स कहलाते हैं क्योंकि ये तमाम ऑर्गेनिजम्स आपस में एवोल्यूशनरी तौर पर भी रिलेटेड होते हैं